सो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा इस वीडियो में, यहाँ पे इतने बड़े रूम में इसकी जो साउंड क्वालिटी आ रही थी स्मॉल स्पीकर से, यार वो काफी जबरदस्त था। रूम काफी अच्छा है, काफी बड़ा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी आ रही है साउंड की, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया आ रही है। और इसके ऊपर जो म्यूजिक प्ले हो रहा था वो यलगार का, जो कि कैरिमिन अडे भाई का है। और अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जरूर जाके देखे, जरूर सुने। तो जाने से पहले इस ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग जरूर देख लेना, साथ ही मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो बने रहे इस वीडियो पे, और अगर आप लोग न्यू इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसे हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये बॉक्स को देख के आप यहाँ पे जाइए मत, क्योंकि यहाँ पे JBL सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये JBL का क्वालिटी या क्वान्टिटी या मतलब उसके प्रोडक्ट नहीं है। सो यहाँ पे बेस बूस्टर M3 का मॉडल है ये ब्लूटूथ स्पीकर, जिसमें आपको हाई क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा। गाइस, बॉक्स के राइट साइड में देखो तो यहाँ पे आपको JBL Harmans लिखा है, लेकिन ये JBL Harmans का नहीं है एक्चुअली में, और ये कॉपी प्रोडक्ट है जिसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा। और यहाँ पे इसके काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बताया, कि इसमें आपको स्टूडियो साउंड मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी लाइफ बैटरी मिलेगा, जहाँ पे आपको 1 घंटे चार्ज करने पे 3 घंटे के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। ये स्प्लैश प्रूफ है, और ये पानी में मतलब टोटली आप इसको ये नहीं कर सकते, पूरा वाटर प्रूफ नहीं है ये, सिर्फ एक स्प्लैश प्रूफ है। और यहाँ पे एक टाइम पे 2 स्पीकर कनेक्ट होता है एक स्मार्टफोन में। यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, और इसके सारे फीचर्स के बारे में दिया है, जहाँ पे MRP 2000 की है, बट एक्चुअली ये आपको विजय मोबाइल गैलरी में मिलेगा, जिसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 1000, जबकि आपको विजय मोबाइल गैलरी में सिर्फ 700 से 800 रुपये के आसपास मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है JBI.com। और दोस्तों, इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है, भले यहाँ पे मेड इन USA लिखा है, ये बॉक्स नॉर्मली बनाया हुआ है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो गाइस, चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को, और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है और एक बॉक्स, जिसमें आपको मिलेगा आपका ब्लूटूथ स्पीकर, और ये एक वायरलेस स्पीकर है। यहाँ पे भी आपको JBL का लोगो मिल जाएगा। और अगर हम लोग इस बॉक्स के स्पीकर में इसमें से निकाले और इसे रख दे साइड में, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी छोटा सा स्पीकर है, और ये मेरे पूरे हाथ में बैठ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको JBL का लोगो मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको स्पीकर मिल जाएगा, और ये पूरा राउंड शेप ओवल शेप में है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक साइड में यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पिन पॉइंट मिलेगा, और एक रबरिक है और ये मेटलिक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, तो जैसे आप लोग इसे दबा के रखोगे ये आपके फ़ोन से पैर हो जाएगा ऑन होते ही, ठीक है। ये अभी ऑन हो चुका है, और मेरे मोबाइल से पैर है ऑलरेडी, तो ये पैर हो चुका है। सो गाइस, अभी क्या करता हूँ, इसका एक म्यूज़िक सिस्टम का जो भी साउंड आ रहा है वो मैं आपको ट्राई देता हूँ। वैसे भी आप लोगों ने इसके स्पीकर का जो साउंड है वो ऑलरेडी सुन लिया है स्टार्टिंग में ही, बट फिलहाल यहाँ पे अगर आप सुनो, 50% से भी कम है और आपको साउंड काफी अच्छा आता रहेगा। तो जैसे कि आप लोग ने सुना, इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है ना, वोकल काफ़ी क्लियर है, इसका लो बेस भी काफ़ी अच्छा है, और इसका बेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, 700-800 के बजट प्राइस में इतना छोटा सा स्पीकर। और एक इसकी बात बताऊँ तो यार, ये JBL प्रॉपरली है नहीं, ये शायद मेड इन चाइना भी हो, लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी देने वाला स्पीकर है, जहाँ पर आप इसे काफ़ी देर तक काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो।
सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो देखा इसका, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग है। पैकेट में ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है सिवाय इस ब्लूटूथ स्पीकर के। सो गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये पार्टीज में या फिर आप किसी भी घर के कोने में रखो तो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड प्रोड्यूस करेगा। और एक बात, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है, और ये कॉपी है JBL का। एक्चुअली ये प्रॉपर JBL का स्पीकर नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कम प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त साउंड देने वाला काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो गाइज, अगर इसे लेना रहेगा तो आपको विजय मोबाइल गैलरी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो इसी बात पर लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी साथ में दबा देना कि ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और जय हिंद।